हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं WH ओडन की बहुत ही प्यारी सी ये पोइम को, और इस पोइम का नाम है मूस डैश ब्योक्स आर्ट म्यूजियम ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट। तो इस जो पोइम में बताया है उस पोइट ने, WH ओडन ने, कि संसार कैसा है, दुनिया कैसी है, इसमें जो है इंडिविजुअल की जो सफरिंग है उसका ह्यूमैनिटी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो है एक इंडिविजुअल जो आदमी है उसको दुनिया में आया है तो उसको जो सफ़र है अकेले ही करना पड़ता है। इसमें वो कई तरह के जो एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्राइस्ट का जो बर्थ है उसका एग्जांपल लिया है कि वहाँ पर जब उनका जो बर्थ हो रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक घटना है इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, परंतु वहाँ पर जो गलियों में बच्चे खेल रहे थे। दूसरा जो इंसिडेंट उन्होंने दिखाया था क्राइस्ट की डेथ का, उनका क्रूसिफिकेशन के टाइम का, वहाँ पर भी जो एक गंदा सा जो प्लेस दिखाया गया, वहाँ पर जो डॉग है वो अपने जो डेली का जो रूटीन है काम वो कर रहा था, एक कुत्ता, और एक जो हॉर्स है उसको दिखा रहा था कि अपनी जो बैक है वो एक जो ट्री के साथ रब कर रहा है। ये एक बहुत ही त्रासदी थी, एक ट्रेजिडी थी एक ह्यूमैनिटी के लिए, परंतु जो है इंडिविजुअल है वो अपना जो सफ़र है उन्होंने किया एक। तो इसी तरह से क्या होता है, एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक व्यंग किया है कि जो ओल्ड पेंटर थे उनको पहले से ही जो है इसका चीज़ का ज्ञान था, उनको नॉलेज थी कि क्या होगा आगे। तो शुरुआत करते हैं इसको पोइम को। अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग, ये जो ओल्ड पेंटर्स की बात कर रहे हैं कि जो सफरिंग है, जो दुख दर्द है, उसके बारे में जो ओल्ड पेंटर थे ना वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने जो सही तरह से जो पेंटिंग जो बनाई थी इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, द ओल्ड मास्टर हाउ वेल दे अंडरस्टूड, वो कितनी अच्छी तरह से इन बातों को समझते थे। जो ओल्ड पेंटर्स थे बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझते थे। इट्स ह्यूमन पोजिशन हाउ इट टेक प्लेस वाइल समवन एल्स इज ईटिंग और ओपनिंग ए विंडो और जस्ट वॉकिंग डूली अराउंड। तो इसमें एक बताया गया है कि इंसान के बारे में, जो एक आदमी है वो सफ़र कर रहा है, बहुत ही वो दुखी है, परेशान है, बीमार है, वो सफ़र कर रहा है किसी दुख से, किसी भी कारण से, परंतु जो दूसरा इंडिविजुअल है वो अननोटिस है, वो उसके जो दुख है उसको अननोटिस करता। आप जो सड़क पे देखते भी होंगे, कोई जो है एक आदमी भिखारी या कोई भी गरीब आदमी वो अकेले ही सफ़र करता है, और कोई भी जो आदमी है जो उसके साथ सड़क पे देख रहा होता है वो अननोटिस कर देता है उसको, और जो उसकी जो सफरिंग का उसके कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी बताया गया कि एक आदमी तो सफ़र कर रहा है बल्कि दूसरा क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, खाना खा रहा है, ओपनिंग ए विंडो, कोई खिड़की का दरवाज़ा खोल रहा है, या फिर जो है वॉकिंग, वो पैदल चल रहा है, अपने जो डेली रूटीन का वो काम है वो कर रहा है, और जो किसी एक आदमी की जो सफरिंग से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दे नेवर फॉरगेट दैट इवन द ड्रेडफुल मार्टरडम मस्ट रन इट्स कोर्स। अब वो बता रहे हैं जो क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, बहुत ही एक ट्रेजिडी थी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, उस जो टाइम को बताया गया है कि जो कितना भी जो भयानक जो वो हो मार्टरडम, यानी कि यदि वो टाइम है वो तो सही होना ही है, ये घटना जो घटनी है तो वो होगी ही। एनीवन इन ए कॉर्नर सम अनटाइडी स्पॉट, वो अब जो किसी जो अनटाइडी क्या होता है, गंदे से जगह पे जो क्राइस्ट का क्या किया था, क्रूसिफिकेशन किया गया था, तो उसके बारे में बताया गया है। वेयर द डॉग्स गो ऑन विद देयर लॉगी लाइफ, जो है डॉगी लाइफ जो जी रहे होते हैं, वहाँ पर जो एक पेंटिंग को वो बताता है, ब्रसल में वो जो अपना जो पोइट है वो वहाँ पर जाते हैं एक म्यूजियम में, वो तो वो देखते हैं कि जो क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन देखते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग में डॉग को देखा, तो वो डॉग ली अपनी जो लाइफ है वो जी रहा होता है, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्राइस्ट का जो है क्रूसिफिकेशन हो रहा है। एंड टॉर्चर्स हो, अब वो टॉर्चर जो उनको टॉर्चर कर रहे थे उसके जो घोड़े उसके बारे में बता रहा है। स्क्रैचेज इट्स इनोसेंट बिहाइंड ऑन ए ट्री, जो अपने जो है बिहाइंड अपने जो पीछा वो किसे, जो एक जो वृक्ष है वहाँ पर एक ट्री खड़ा था उससे खुजली कर रहा वो अपने आप को,
तो इस तरह से जो है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो है क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है, उसको जिन्होंने अपनी जो जान बलिदान करी थी ह्यूमैनिटी के लिए, तो उनको कोई भी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है जो आदमी है उसको कैसे करना है, सफ़र करना है अलोन, अकेला ही। इन ब्रूगल, जो एक ब्रूगल बहुत ही बड़े वो पेंटर थे, उन्होंने जो है पेंटिंग की थी इक्रास, फॉर इंस्टेंस हाउ एवरीथिंग टर्न अवे क्वाइट लीजरली फ्रॉम द डिजास्टर। अब ये एक जो दूसरी जो पेंटिंग है इक्रास का, जो है आसमान से पढ़ना, उस पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं ब्रूगल की। तो उन्होंने बताया गया कि उस जो बहुत ही एक असाधारण जो घटना हुई थी, परंतु जो है वहाँ के जो लोग थे उस टाइम पर उन्होंने इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, इक्रास का आसमान से गिरना, और वो अपने जो डेडली जो रूटीन के जो अपने काम है वो करते गए। द प्लग मैन मे हैव हर्ड द स्प्लास। अब जो पानी में जो कोई चीज़ गिरती है तो स्प्लास की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर जो एक फील्ड में जो खेतों में काम कर रहा था उसने क्रास की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी जब वो आसमान से गिरा था, परंतु उसने जो है इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया और अपना जो डेली का जो रूटीन का जो काम है वो करते गए। फार्मर द फोर सेकंड क्राई, जो है क्रास ने जब जो है वो वहाँ से गिरा तो उसने ज़रूर ही जो है क्राई चिल्ला के आवाज़ की होगी, दर्द से वो ज़रूर कर रहे होंगे, परंतु उन्होंने जो फार्मर ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। बट फॉर हिम इट वॉज नॉट एन इम्पोर्टेंट फेलियर। परंतु उनके लिए क्या था, ये जो आदमी थे वहाँ पर उनके लिए इतना जो है इम्पोर्टेंट फेलियर नहीं था। और वो जो बोट में भी जो एक आदमी जा रहे थे, उन्होंने ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने भी जो है इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर इन्होंने जो पोएम लिखी थी कि ह्यूमैनिटी का जो है इंडिविजुअल जो है सफ़र आदमी करता है, और ह्यूमैनिटी को, उस चीज मानवता को, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में आए हैं आदमी तो उनको अकेले ही सफ़र करना होगा। तो इस तरह से जो एक प्यारी ही पोएम थी समाज को आईना दिखाने के लिए, जो उन्होंने बताया गया, जो ओल्ड पेंटर थे उनको पहले ही इन चीज़ों का सभी जो ज्ञान था। तो कैसी लगी कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।